रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे लंबा इवेंट रेसलमेनिया फाइनली खत्म हो गया और कई सारे रिकॉर्ड सेट किए, लाइक 8 टाइटल चेंजेस, 4 रिटायरमेंट्स, 4 म्यूजिकल परफॉर्मेंस और बहुत कुछ। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, मेरा नाम है निर्मल और आप देख रहे हैं रेसलमेनिया का पता नहीं क्या, लेकिन रेसलमेनिया रिव्यू। क्या क्या हुआ रेसलमेनिया में हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात, रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट रेसलमेनिया 35 और सबसे लंबा अब तक का, ना ही सिर्फ WWE हिस्ट्री का बल्कि रेसलिंग इंडस्ट्री का, जो कि 8 घंटे के करीब करीब टोटल करता है। यहाँ पर 15 से ऊपर 16 मैचेस बेसिकली थे, जिनमें से हमने 15 मैचेस की प्रेडिक्शन पहले भी की थी, जिसमें से 10 हमारे प्रेडिक्शन राइट निकले हैं। तो आप वो वाली वीडियो जरूर जाके देख लेना, ये वाली, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब हमने कितनी सही बातें की हैं। तो यार बात करते हैं सबसे पहले किक ऑफ शो के, जो कि इंडिया में 2:30 बजे स्टार्ट हुआ, जहां पर 3-4 मैचेस थे। पहला मैच जो रॉ टैग टीम टाइटल से रिलेटेड था, जो कि कर्ट हॉकिंस और जैक राइडर ने जीत लिया, ऑब्वियसली होम टाउन की वजह से, या रिवाइवल को जस्ट WWE या विंस मैन हेट करते हैं इसलिए, और उनको नई बेल्ट दे दी गई। ऑब्वियसली रिवाइवल हार गई, कर्ट हॉकिंस की 269 मैचेस की लूजिंग स्ट्रीक भी खत्म हो गई यहां पर। और उसके अलावा जो हमारे पास अगला मैच था, विमेंस बैटल रॉयल और मेंस बैटल रॉयल, जो कि कार्मेला ने जीत ली और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जीत ली। मेंस बैटल रॉयल हमें कुछ इंसिडेंसेस अच्छे से देखने मिले। सबसे पहली बात तो हमें लूक हार्पर देखने को मिले, रिटर्निंग लूक हार्पर। उसके अलावा अंद्रादे और हार्डी बॉयज की परफॉर्मेंस काफी इंटरेस्टिंग थी, और स्टार गेस्ट तो पता ही है आपको। उसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमैन वाज विक्टोरियस। उसके अलावा हमें जो है एक बडी मर्फी और टोनी नीस के बीच में क्रूजरवेट चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला, जो कि टोनी नीस ने जीत लिया। तो पहला टाइटल चेंज तो यहीं पे हुआ, दूसरा टाइटल चेंज भी पहले हो चुका है, जो कि रॉ टैग टीम टाइटल है। तो यार दो टाइटल चेंजेस तो हमें यहीं पर देखने को मिल गया। उसके बाद हम मेन शो पे आते हैं, तो यहाँ पर तो सबसे पहले काफी सारे गेस्ट कमेंटेटर्स देखने को मिले, लाइक पेज, जेरी द किंग, लॉलर, बुकर टी, JBL और भी काफी सारे, एक्चुअली शॉन माइकल्स भी। तो यार ऐसे कुछ चलता रहा। उसके बाद म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस भी काफी सारे देखने को मिले, जॉन सीना की, अलायस की और रोंडा राउजी की एंट्रेंस म्यूजिक। उसके अलावा ट्रिपल एच का एंट्रेंस भी किसी परफॉर्मेंस से कम नहीं था। तो यार इनको तो साइड में रखते हैं, सबसे पहले मैच की बात करते हैं। वो था हमारा बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच, जो कि कहीं ना कहीं मेन इवेंट होना चाहिए था, लेकिन मेन इवेंट नहीं रखा गया और ब्रॉक लेसनर काफी नाराज भी लगे इसकी वजह से। तो इस मैच में तो मैच शुरू होने से पहले ही ब्रॉक लेसनर ने अटैक करना शुरू कर दिया सेथ रॉलिंस पर, और काफी अटैक किया उन्होंने। लेकिन फाइनली जब मैच शुरू हुआ तो काफी सारा, मतलब मैच काफ़ी क्विक था और सेथ रॉलिंस ने जो है लो ब्लोज मार के और स्टॉप्स करके बाद में फाइनली जीत लिया। तो यार ये काफ़ी सरप्राइजिंग मोमेंट था, इससे कहीं ना कहीं ये भी प्रूफ हो जाता है कि ब्रॉक लेसनर इज रिटायरिंग, ब्रॉक लेसनर इज लीविंग WWE फॉर UFC ट्रेनिंग। तो यार यहाँ से एक रिटायरमेंट तो यहीं पर हो जाता है, दूसरा टाइटल चेंज भी यहाँ पर, तीसरा टाइटल चेंज यहाँ पर देखने को मिल गया हमें। अगला जो मैच था वो था AJ स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन का, जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इमोशन और ड्रामा से भरपूर मैच था, जहाँ पर आर्गियोज हमें काफ़ी सारे देखने को मिले, फेनोमिनल अटेम्प्ट काफ़ी सारे देखने को मिले और दोनों का वर्जन में देखने को मिला। दोनों की इन रिंग केमिस्ट्री काफी अच्छी थी, काफी कुछ देखने को मिला और फाइनली AJ स्टाइल्स ने विक्ट्री ले ली रैंडी ऑर्टन के ऊपर, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। और रैंडी ऑर्टन के स्पेशली जो है एंट्रेंस के टाइम में हमें एक्चुअली वाइपर, प्रीडेटर, जो भी कहते हैं, एक्चुअली स्नेक्स भी देखने को मिले हमें। अगला जो मैच था वो था स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए, जिसे उसोज ने जीत लिया। और बाकी सारे स्टार्स की हम बात करें इंडिविजुअली तो सारे के सारे स्टार्स टॉप कैलिबर के हैं, लेकिन उन्हें जो है टैग टीम में बिठा दिया गया। और अगर स्पेशली बात करते हैं रिकशे और एलिस्टर ब्लैक की, तो उनको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पिछले एक वीक के अंदर अंदर तीनों टैग टीम टाइटल्स के लिए मैचेस किए हैं। ऑफकोर्स तीनों हारे हैं, बट उन्होंने मैचेस किए हैं रॉ टैग टीम टाइटल्स के लिए, NXT टैग टीम टाइटल्स के, जो काइंड ऑफ 5-स्टार वर्दी मैच है, और उसके बाद स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया सब ने। लेकिन फाइनली जो है जीत लिया उसोज ने, अपनी टैग टीम बेल्ट्स रिटेन कर लिया, जिसे हमने प्रेडिक्ट किया था पहले ही। और यहाँ पर जो सेगमेंट था सिजारो और शेमस वाला, वो काफ़ी अच्छा था। सिजारो का जो गोल घूमने वाला सीन और जो सेमस का 10 बीट्स वाला सीन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऑलमोस्ट हर एक सुपरस्टार पे सेमस ने जो है 10 बीट्स अटेम्प्ट किया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट था ये वाला। इसके बाद हमें हॉल ऑफ फेम इंडक्टीज की क्लास दिखाई गई, जो भी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुए थे वो सारे हमें देखने को मिले यहाँ पर स्टेज में। और उसके बाद एक मैच था 68-year-olds वर्सेस 49-year-olds, सॉरी, मिज वर्सेस शेन मैकमैन का, जिसे सरप्राइज सरप्राइज शेन ने जीत लिया। यस, ये मैच मतलब स्टार्टिंग में तो पूरे मैच में शेन डोमिनेट कर रहे थे, मतलब दिखने में समझ में आ रहा था यार कि मतलब अनट्रेंड जो है एक 49-year-old एक ट्रेंड रेसलर से लड़ रहा है, लेकिन मैच में कहीं ना कहीं फिर 68-year-old जो है मिज के फादर हैं, वो भी मैच में आ गए और वाला सेगमेंट में देखने को मिला। लेकिन इसके बाद मिज जो है काफ़ी आगे ले गए इस मैच को, और ये मैच काफ़ी अच्छा निकल कर गया। फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, उन्होंने जो स्टेज के ऊपर और कैमरा क्रू के पास में जो मैचेस किए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो वहाँ पर देखने को मिला। और जैसे ही उन्होंने सुपरप्लेक्स दिया कैमरा स्टेज के ऊपर से नीचे, दोनों साथ में गिरे, और पता नहीं एक सॉफ्ट सा जगह थी जहाँ पे दोनों गिरे, और उसके बाद जो है पता नहीं रेफरीज ने काउंट करके शेन को जितवा दिया, तो शेन फाइनली वन द मैच पता नहीं कैसे।
अगला मैच था विमेंस टैग टीम टाइटल्स के लिए और काफी इंटरेस्टिंग मैच था, काफी जो है इमोशंस निकल करके आए बेली और साशा बैंक्स का, लेकिन फाइनली आइकॉनिक्स ने यहाँ पर भी जीत लिया और वापस से टाइटल चेंज। तो यार आइकॉनिक्स एक्चुअली एक डुओ है जो कि काइंड ऑफ टैग टीम को रिप्रेजेंट करता है, तो यार उनके हाथ में टाइटल्स आ गए तो काफी अच्छी बात है, लेकिन टाइटल चेंज देखने को मिला और ये मैच काइंड ऑफ ड्रामेटिक था, अच्छा मैच था। यहाँ पर हमें पेज की कॉमेंट्री भी देखने को मिली। अगला मैच था कोफी किंगस्टन वर्सेस डैनियल ब्रायन का डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, जिस मैच में ऑडियंस काफी एक्टिव लगी और काफी चेयर और बूज हमको देखने को मिले। यहाँ पर मैच काफी इमोशंस और ड्रामा से भरपूर था, लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियरली साबित हो जाती है कि डैनियल ब्रायन इज द बेस्ट रेसलर, बेस्ट टेक्निकल रेसलर, टेक्निकल रेसलिंग की मास्टरी है, इसलिए डैनियलसन ब्रायन अवार्ड भी दिया जाता है। लेकिन यार मैच फाइनली कोफी ने जीत लिया, काफी सारे ड्रामा, काफी सारे इमोशंस, काफी सारे नियर फॉल्स के बाद काफी इंटरेस्टिंग मैच था, ऑडियंस ने भी काफी चीयर किया और विक्ट्री के बाद जो सेलिब्रेशन था कोफी किंगस्टन का वो भी काफी अच्छा था, उनके दोनों सन्स भी आ गए थे रिंग के अंदर और काफी मजेदार सेलिब्रेशन था। लेकिन यहाँ पर बेस्ट चीज होती थी अगर जो है हील टर्न देखने को मिलता हमें न्यू डे की तरफ से, स्पेशली बिगी की तरफ से, अगर बिगी पोस्ट मैच जो है कोफी पे अटैक करते तो एक तगड़ा स्टोरी लाइन, तगड़ा एंगल बन जाता था, लेकिन वो हो सकता है हमें स्मैकडाउन में देखने को मिल जाए आने वाले टाइम में, लेकिन वो एंगल काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर काफी अच्छा मैच था, टाइटल चेंज अगेन, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग सा मैच था। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू यूएस चैंपियनशिप का मैच रे मिस्टीरियो और समोआ जो के बीच में, जिसमें समोआ जो काफी फ्यूरियस लगे और ऑब्वियसली मैच काफी जल्दी खत्म हो गया। उसका ऑब्वियस रीजन है कि रे मिस्टीरियो एक्चुअली रेडी भी नहीं थे मैच के लिए ऑब्वियसली इंजरी की वजह से, लेकिन उन्होंने मैच में कम्पीट किया और काफी जल्दी जो है मैच खत्म हो गया। समोआ जो ने कोकिना क्लॉच में जो है लॉक कर लिया रे मिस्टीरियो को और रे मिस्टीरियो जो है पास आउट कर गया, उसकी वजह से जो है रेफरी को मैच खत्म करना पड़ा और समोआ जो जीत गया इस मैच को। तो वो इंजरी की वजह से हम समझ सकते हैं कि ज्यादा टाइम तक कम्पीट नहीं कर सकते रे मिस्टीरियो, इसकी वजह से जो है मैच काफी शॉर्ट रख दिया गया, थैंकफुली मैच को कैंसिल नहीं किया। लेकिन उसके बाद हमें एक मैच देखने को मिला रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच में, जिस मैच को रोमन रेंस जीत गया, लेकिन वो मैच काफी डिसेंट मैच था, काफी टीवी टाइप का मैच था, रेसलमेनिया टाइप का मैच था नहीं, उसके लिए उतना बिल्डअप भी नहीं था और सैडली ड्रू मैकइंटायर हार गए। लेकिन रोमन रेंस भी अपना जो है मोमेंटम खो चुके हैं, जो मोमेंटम उनके पास था जब वो ल्यूकेमिया से वापस आए थे, लेकिन वो मोमेंटम कहीं ना कहीं खोता दिख रहा है और पब्लिक ने इंटरेस्ट लिया रोमन रेंस की ऑब्वियसली बेबी फेस की वजह से, लेकिन ये मैच उतना कैलिबर का था नहीं रेसलमेनिया में बुक करने लायक। इसके बाद थी अलायंस की म्यूजिकल परफॉर्मेंस, जहाँ पर हमें तीन तीन अलायंस देखने को मिले, ऑब्वियसली मैच बुक नहीं किया गया टाइम शेड्यूल की वजह से, क्योंकि 16 मैचेस ऑलरेडी बुकड हैं इस कार्ड में। तो यार यहाँ पर जो है अलायंस को इंटरप्ट करते हुए हमें देखे जॉन सीना, और नॉट जॉन सीना बल्कि डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स जो कि ठग लाइफ वाला अवतार है जॉन सीना का। तो यार काफी इंटरेस्टिंग लगा और जॉन सीना ने जो रिप्लाई दिया, जो प्रोमोज कट किया, मतलब तगड़ा, बहुत सही, बेस्ट परफॉर्मेंस थी जॉन सीना की अब तक की मेरे हिसाब से, तो 2019 की एटलीस्ट, क्योंकि उन्होंने इसके अलावा और कोई परफॉर्मेंस दी भी नहीं है। तो यार वो काफ़ी सही सेगमेंट था और आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप हिंदी में मत देखना प्लीज़, नहीं तो हिंदी कमेंट्री वाले मार देते हैं उस सेगमेंट की। तो यार वो सेगमेंट काफ़ी अच्छा था, डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और उस यहाँ पर हमें एलायंस के तीन तीन परफॉर्मेंस देखने को मिले पियानो और ड्रम्स के साथ, वो भी काफ़ी अच्छा था, एलायंस ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया, बट जॉन सीना वाज ऑसम। इसके बाद था करियर ऑन द लाइन नो होल्ड्स बार्ड मैच बिटवीन ट्रिपल एच एंड बटिस्टा, जो मैच जो है ट्रिपल एच ने जीत लिया रिक फ्लेयर के इंटरप्शन के बाद, लेकिन मैच काफ़ी एक्साइटिंग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ा आया, इन रिंग केमिस्ट्री ट्रिपल एच और बटिस्टा की काफ़ी सही थी और दोनों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया। लेकिन हमें यहां पर वो भी देखने को मिला, काफी टाइम वो स्ट्रगल कर रहे थे ऑब्वियसली उनके एज फैक्टर की वजह से, और यहां पर भले ही ट्रिपल एच का इन रिंग करियर खत्म ना हुआ हो, लेकिन बटिस्टा का तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, तो यहां पर हमें बटिस्टा का भी रिटायरमेंट ही देखने को मिला काइंड ऑफ। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा मैच निकल करके आया, दोनों ने काफी अच्छे सेगमेंट दिए और शॉन माइकल्स कमेंट्री में अवेलेबल थे, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग सा हमें सेगमेंट देखने को मिला। ये मैच काफी अच्छा था, काइंड ऑफ 4.5 या 5 स्टार रेटिंग्स के वर्दी है ये मैच एक्चुअली इस टाइम में भी। सैडली हमें कर्ट एंगल का रिटायरमेंट मैच बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट ही देखने को मिला, जिसे जो है बैरन कॉर्बिन ने जीत भी लिया, लेकिन मैच में कुछ छोटे मोटे सेगमेंट्स काफी अच्छे निकल करके आए, जहां पर स्पेशली कर्ट एंगल जो है एंकल लॉक दे रहे हैं या फिर एंगल स्लैम दे रहे हैं या फिर उसके अलावा जर्मन सुप्लेक्सेस हो, लेकिन फाइनली जो है कॉर्बिन ने मैच जीत लिया। और मैच के बाद कर्ट एंगल काफी इमोशनल दिखे और ऑडियंस भी काफी इमोशनल दिखी, जो ऑडियंस का कनेक्ट था ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वाला वो काफी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन कर्ट एंगल ने ऑडियंस को काफी अच्छी तरह से संभाला पोस्ट मैच, ये सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग था। इसके बाद आया डीमन फिन बैलर बॉबी लैशली को फेस करने के लिए, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये सेगमेंट काफी एंड में था, जब तक ऑडियंस काफी थक चुकी थी, तो ऑडियंस का उस लेवल का रिस्पॉन्स आया नहीं जिस लेवल का एक्सपेक्टेड था, ना ही ऑडियंस ने उस लेवल की चीयरिंग या पॉपअप्स दिए, लेकिन सेगमेंट काफी अच्छा था, फिन बैलर ने फाइनली डिफीट कर दिया और डीमन फिन बैलर जो है अनडिफीटेड है, उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कैप्चर कर ली, तो टाइटल यहां पर भी चेंज हुआ और बॉबी लैशली सैडली डिफीट हो गए। उसके बाद था मेन इवेंट बिटवीन बेकी लिंच, रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर,
जो कि काइंड ऑफ मेन इवेंट वर्दी मैच था और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, लेकिन यहाँ पर भी हमें वही दिक्कत देखने को मिली कि ये मैच इतना लेट था कि 8 घंटे तक मैच देखने के बाद, 8 घंटे तक लगातार एक शो को देखने के बाद ऑडियंस बुरी तरह से थक चुकी थी, जो कि मैच में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती थी। मैच काफ़ी एक्साइटिंग था, मैच में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शो काफ़ी लंबा होने की वजह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स नहीं आया उस लेवल का। मैच काफ़ी अच्छा था, तीनों ही कंटेस्टेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, स्पेशली जो क्लोज लाइन्स हमें देखने को मिले वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, इमोशंस काफ़ी निकल करके आए। फाइनली जो है बेकी लिंच ने काइंड ऑफ रोंडा राउजी को पिन किया कि नहीं किया, बट रोंडा राउजी हार गई और बेकी लिंच को दोनों ही टाइटल्स मिल गया, स्मैकडाउन और रॉ वीमेंस चैंपियनशिप की। तो शो कुछ इस तरह से क्लोज होता है और काफ़ी एक्साइटिंग हमें देखने को मिला। यहाँ पर हमें टोटल 8 टाइटल चेंजेस देखने को मिले और काइंड ऑफ 4 रिटायरमेंट्स देखने को मिले। हमें एक तो क्लियर रिटायरमेंट कर्ट एंगल का, उसके बाद ट्रिपल एच और बटिस्टा के बीच में, बटिस्टा तो रिटायर हो ही गया, उसके अलावा हमें देखने को मिल सकता है कि ब्रॉक लेसनर भी काइंड ऑफ रिटायर हो ही गए हैं जो UFC में जाएंगे, और उसके बाद रोंडा राउजी का भी रिटायरमेंट तो नहीं बोलेंगे बट कहीं ना कहीं जो है छुट्टी लेंगी या जो कुछ भी होगा, वो अपना टाइटल हार रही है तो कहीं ना कहीं उनका भी रिटायरमेंट देखने को मिल रहा है। तो 4 जो है हमें रिटायरमेंट्स और 8 टाइटल चेंजेस देखने को मिले। अब हमें देखना यह है कि पोस्ट मेनिया वाले रॉ में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, उसके लिए आपको जो है स्टे ट्यून्ड रहना होगा और देखते हैं कल क्या होता है रॉ में। कैसे लगी आपको रेसलमेनिया, कौन सा सेगमेंट आपको पसंद आया? मेरे लिए स्पेशली जॉन सीना वाला सेगमेंट काफ़ी सही था, बटिस्टा वर्सेस ट्रिपल एच का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मेन इवेंट काफ़ी अच्छा था, फाइनली बेकी लिंच ने टाइटल कैप्चर कर लिए दोनों ही। तो यार ये पूरा रेसलमेनिया पावर पैक था, रेसलमेनिया के सारे मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, स्पेशली दैट ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस वाला मैच, मतलब उसको छोड़ के। बट मेन जो दिक्कत लगी कि शो काफ़ी लंबा था, जिसकी वजह से ऑडियंस काफ़ी थक चुकी थी, लास्ट का 1 घंटा जो है ऑडियंस कैसे झेल ली हमें पता नहीं, क्योंकि मैं खुद बोर हो गया था देखते देखते। तो इंडिया में हमने देखा, मजे किए। आप बताइए आपको क्या लगता है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।